مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء तारीफां सारियां उस रब वास्ते जेड़ा कहंदा है हो जा ते शै हो जांदी मौत न देना चाहे जेड़ा मौत न देना चाहे ते सिर कटिया भी होवे ताड़ करबला विच होवे ते सिर नौके निजा ते होवे जग सारा ये समझे कि मिट गए तो मिट सकदा नहीं ओ जिनू हयात अल्लाह दे दे जिदे कम अगे फैसले अगे कोई डक्का नहीं ला सकता ते दुरूद ते सलाम होवे फिर उन्हां ते जिहड़े ईमान दा महवर मरकज ने असल जिन्हां ने रब फरमाया हाथ रख के इंज मुंडे ते या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता ले आजा ली वा आना ले आजा लेख महबूब प्यारिया तू मैन वेखी जा मैं तेन वेखी जावा तू मेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते उन पर दरूद और सलाम उनकी अहले बैत पर दरूद और सलाम उनके असहाब पर सलाम अहले बैत पर इसलिए कि इनकी मोहब्बत के बगैर हुजूर की मोहब्बत मिल ही नहीं सकती इनकी मोहब्बत के बगैर हुजूर की मोहब्बत मिल ही प्यार नाल बोलो मिल ही नमाज ते रोजा ते हज ते ज़कात मौलवी जी अरकान ने भूल ना जाओ मौलवी जी मसीत बहुत जरूरी है पर जे नबी दे मुकाबले च बनाई जाए ते ढा दिती जांदी है किबला जी जनाब जी नमाज निरी कलियां बचा सकदी ते यजीद हफ्ज़े कुरान है ये जुमला सुन लिया जे यजीद हफ्ज़े कुरान है पर कुरान भी उसे बचाता है जिसके दिल में हुसैन होता है ए गल एक बार फिर सुन लो अजे तो तकरीर असं शुरू की थी नहीं अहले बैत का नाम सुनकर अगर किसी के माथे पर बल पड़े तो उसकी बदबख्ती है जुमला जरा टिल ला के समझने की कोशिश कर रहा है जे आए समझते आसमान तक सुभान अल्लाह की आवाज आए पर पहले जुमला सुन लो
हजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل اهل بيت مثل سفينه نوح میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے۔ نوح کی کشتی کیا ہے؟ فرمایا اس کشتی کا مہمار مہمار بنانے والا خود نوح ہے، उसका मालिक नूह है, उसको तरतीब देने वाला नूह है और अहले बैत को तरतीब देने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अभी भी जुमला मैंने जो कहना है वो आगे है, वो रोक सको तो नहीं रोक सकते हो। सुभान अल्लाह। फरमाया अहले बैत को समझना है तो कश्ती को समझना पड़ेगा। कश्ती बड़ी मेहनत से बनाई गई और ऐसे ऐसे तरतीब से फट्टा लगाया गया कि अंदर पानी ना जाए। मुहम्मद पाक ने ऐसे ऐसे हसन हुसैन को संवारा कि इनके करीब कोई हरामी ना जाए। इस बात को समझ ले, निजासत किसी सूरत में हो, पलीती किसी सूरत में हो, चाहे वो किसी सूरत में हो, बंदे की सूरत में हो, कभी पलीत अहले बैत के करीब आ नहीं सकता, कभी नजस अहले बैत के करीब आ नहीं सकता। अहले बैत तत्हीर के खजाने का नाम है, अहले बैत तकदीस के मीनार का नाम है, अहले बैत की अजमत इतनी बुलंद है कि सातों आसमान नीचे रह जाते हैं, अली की अजमत ऊपर चली जाती है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। एक मिनट, एक मिनट, मुझसे मिलने से भी जरूरी है या हुसैन कहना। जड़े आ मेरा हाथ चूमते रहे हो, इतना जरूरी नहीं सी जितना जरूरी या हुसैन कहना है। मैंने वेखना इतना जरूरी नहीं जितना जरूरी या हुसैन कहना है। मेरे करीब आना इतना जरूरी नहीं जितना जरूरी हुसैन कहना है। वल्ला रब्बे काबा की कसम है, तुम्हारे दुख सुख बन जाएंगे। दिल को जबान से मिलाकर कहो, अख दी ठंडक, दिल दा चैन। या हुसैन, या हुसैन। अजय भी आवाज काट है, शेखुपुरा तू कहां जाए, अगा जाए, इस तुम ही अगा। अख दी ठंडक, दिल दा चैन। अजय भी जेड़े संगी आत्मान के खलोते पशेरमान ने चन मखणो जे जे ना नहीं सी लेना इमाम दा तो घर टुर जाओ। इधर जेड़े संगी बैठे हो जे ना नहीं जे लेना तुहानू दसा ना लेने वाले नू के मिलेगा। मौलवी भाई मेरे और फरमावे, अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना और सुनाना है आपको, तो मौलवी पर बहुत खतरा है, अगर मौलवी ठीक हो जाए कौम ठीक हो जाए। जब थुड़काया है इन्होंने थुड़काया है, हम कुत्ते हैं सदी के अकबर के, हम गुलाम हैं उम्र फारूक के, हम गुलाम हैं उस्मान गली के, पर कान खोल के सुन लो, ओनू सिद्दीक चुतिया नल मारेगा जिदे दिल में छुप सके। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक
वह जुमला फिर बोलने लगा हूं। ये जुमला फिर सुन लो, फिर सुन लो। साहबा की आड़ मैं जीते रहे आप, साहबा की आड़ में अले बैठ से न फिरना। कान खोल के सुन लो, सहाबा की आड़ में अले बैत से ना फिरना और अले बैत की आड़ में सहाबा की गुस्ताखी ना करना। जेड़ा सिद्दीक नू पहुंचेगा उनू मारनगे इमाम जाफर सादक। ये फिर सुन लो, क्योंकि जाफर सादक के पढ़नाने का नाम अबू बकर है। जो कुत्ता सिद्दीक अकबर को भौंके, इमामे बाकर उसे कान पकड़ा के जूते मारेंगे, और जो कुत्ता हुसैन को भौंके, उमर उसके सामने आकर फरमाएंगे, बेगैरत, हमसे मोहब्बत का दावा करता था, हम तो अपने बेटे को मस्जिद में कहते थे वो और है तो। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये या हुसैन से क्या मिलेगा। हम आपको बताते हैं क्या मिलेगा। मैं आपको अर्ज करता हूं क्या मिलेगा। सरकार की निगाह मिलेगी। जुमला सुने जी, सरकार की निगाह मिलेगी। किसकी निगाह मिलेगी भाई? जो हसन हुसैन का हो गया वो किसका हो गया? ये मुंह चू बोलना पड़ेगा तुम। ओ जेड़ा एदे विच कोई शक है, बोलो 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 बोलो, शक है? फरमाया अना सलमुल लिमन सालमतुम वाना हरबुल लिमन हारबतुम मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी वमन अबगदहुमा फकद अबगदनी वमन आजाहुमा फकद आजानी मन अहब्ब हाजैन वाबाहुमा वाउम्माहुमा इन्नहु मई भी जन्नती। फरमाया सहाबा सारे गौर नाल सुनो, उम्मत तक पहुंचाओ, जो इनसे इनसे ये जिससे खुश है मोहम्मद खुश। गल समझ आ गई कि कोई नहीं? तो जेड़ा इन्हां दा नहीं वो मेरा भी नहीं। आप मर रहे हैं, आप जनाब नारे पले मार रहे हैं, हजूर के हजूर फरमाते हैं मैं उसका हुई नहीं, हजूर खुद फरमाते हैं मैं उसका हुई नहीं, हुई नहीं मैं उसका, जो इनका नहीं है मैं उसका नहीं हूं। हजरात उलमाए किराम तवज्जो फरमाए, सती पुश्त विच कदे वली होवे पियो तो खिजर पाक वटे लांदे ने तो मूसा गारा करते हैं। ये आपसे छुपी हुई है बात। जे सतवीं पुश्त विच पियो वली होवे तो सत्तां पुश्तां बाद वैज मिलता है। यहां हजरत अमीर माविया साहबी रसूल है लेकिन यजीद को फैज नहीं मिल रहा, लानत से नहीं बच पा रहा, बदबख्त हो चुका है, महरूम हो गया है। बाप भी साबी है, दादा भी साबी है, बच नहीं रहा। दुनिया का कोई गुनाह करता बच जाता। हजरत तो मेरे आने से पहले फरमा रहे थे हुसैनियत इतनी ना पे लबियत भाई पांच चार स्पीना भैया जर हम भी तुम पे रखे हुए जानी खादा नहीं जमला।
डेढ़ घंटा पहले उधर मैं लाहौर तो निकले ऐसे जब ये कह रहे थे तो हम सुन रहे थे। अचानक मकड़ा ये बात भी होती चर्स भी पीता पास हो जाता। नहीं तुम्हें मालूम बुहारी? नहीं जी बिल्कुल नहीं। बिन पानी हो चल सा जानी की याद है आप उन्हें ना दे सदके बेहतर हो जा सा किबला। क्या आपको बुहारी शरीफ की हदीस याद नहीं है? हजरात उलमाए कराम कदमों पर हाथ, जरा तवज्जो मेरी तरफ। क्या बुखारी शरीफ की हदीस में नहीं है कि एक बंदा शराब पी के हुजूर की महफिल में आ गया? सहाबा इकराम ने उसको लान तान काफी मुलामत की तो एक बीच में से सहाबी ने अर्ज किया खड़े होकर बोला जज़ाक अल्लाह ताला खुदा तुझे जलील करे। साईं ने फरमाया बैठ जाओ ये मत कहो, ये मत कहो कि अल्लाह से जलील करे। भाई कौन है काफिर भी ना कहो कि अल्लाह से जलील कर। या रसूल अल्लाह शराब हराम की है इसने पी ली और आप ही ने तो फरमाया इसको मलामत करो तो हम इसको कह रहे हैं कि खुदा का खौफ कर हजूर का हया कर। फरमाया ये ठीक है ये कहते रहो ये कहो कि खुदा का खौफ कर ये भी कहो कि हजूर से हया कर ये ना कहो कि खुदा इसे जलील है। जी किबला जी काबा जी हजूर जी गरीब नवाज जी वो जो है ना जी ये बुखारी जिना ना हो बत्ती चौक से मेरी थोड़ वड़ के ला दियो तो जे मैं बुखारी जी तुम कट दे तो जरा ध्यान रखना हो बे उसे है क्या फरमाया बनी है इसको यूं ना कहो बल्कि अल्लाह मग़फिर वरहमो मैं तुम्हें सिखाता हूँ तुम ये कहो कि अल्लाह इसकी मगफरत करे इस पर रहम करे। एदा मतलब है बंदा केड़ा वड़ा पापी है गुनाह हो गया है खता हो गई है गलती हो गई है साईं पे दुआवां मंगवांदे ने तो पता है फौरन साईं नूं ख्याल आया इन्होंने दिलों में ख्याल आना है भाई मैं ये वास्ते दुआ क्यों मंगवाई तो वह मैं इन्हें वजह भी दस दिया। फिर मैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही उस रब की कसम जिसके कब्जे में मुझे मोहम्मद की जान है وَمَا عَلِمْتُ إِلَّا أَنَّهُ يُحِبُّنِي وَيُحِبُّ اللَّهِ فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے یہ بات معلوم ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے دل میں میری اگر یزید صرف شراب پیتا رہتا ہے फिर भी सत्तार ढांप लेता आए, आए। कोई अब्बा की निस्बत काम आ जाती कोई दादा की निस्बत काम आ जाती कोई हजूर की हजूर की उम्मत की निस्बत काम आ जाती उम्मत में सर बड़े बड़े पापी हमने देखे निस्बत का आड़े आ जाती निस्बत आड़े आ जाती यजीद नहीं बचा। आप में से बड़े मजमे में कोई है जो यजीद पर लानत ना करता? आप में से कोई है जो यजीद को हजरत बोलता रहमतुल्लाह अलैह कहता लानत ही कहते हैं उसको लानत लानत के उस तक पहुंचने से कोई डक्का नहीं लग सका। फरमाया सारे जहान के पाप करता हम छोड़ देते अब नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह हू अकबर ये गल्ला ने राज दिया समझो। फरमाया जो मर्जी ये करता रहता हम छोड़ देते अब नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मुकाबले में उसके आया है जिसकी रगों में दूध सैयदा का है खून अली का है। दुनिया का कोई बंदा भी जो इधर आएगा झुक कर झुक कर फरिश्ते उसको मुबारकबाद पेश करेंगे
और दुनिया का कोई बंदा जो इनसे फिरेगा, जिसका मर्जी है बेटा हो, जिसका मर्जी है बन जाओ, फिर कुछ नहीं देखा जाएगा, फना फिर नार कर। कोई गल समझ आ रही है नहीं आ रही? अब मैं आपको बताऊं कि या हुसैन करने का मतलब क्या है। हजूर ने फरमाया मैं दुआ देता हूं उसे, क्या करता हूं? कौन कौन चाहता है दुआ लेना हजूर? अच्छा अगर मैं दुआ दे दूं तो आप खुश हो, अगर दाता साहब दुआ दे दें हजूर उस पाक यक लख आए और कहें कि मैं अब्दुल कादिर हूं, अगर ख्वाजा मोइन आ जाए, अगर फरीदुद्दीन बोल दें या निजामुद्दीन कह दें या और कोई बड़ा कह दे, सहाबी कह दे, और अगर खुद मुस्तफा फरमाए, बोलो 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 बोलो, गल्लां सुनानियां ने दो हदीसां ने दो में। एक जगह ते फरमाया फरमाया या अल्लाह मैं तेरा महबूब तेरी बरगाह में दुआ करता हूं उसे अपना महबूब बनाना जो इन दोनों को महबूब बना ले। ए कोई मैं मंतक बोल रहे हो, कोई मैं संस्कृत बोल रहे पछतो, चलो बोलना तो शायद कोई बिठान बैठे हो, लेकिन मैं तो पंजाबी थोड़े ना गल पे करदा भाई, उन्होंने अपना महबूब बनाया, तुसा इन आवाज समझ रहे हो, गल आवाज समझ रहे हो, जेड़ा इना नल मोहब्बत करे उन अपना महबूब बनाई। तो दूजी जगह से फरमाया, कान खोल के सुनो, फरमाया कसम है मुझ मोहम्मद को मेरे रब की, जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी उम्मत में जो जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा, फरमाया मैं मोहम्मद अपनी रब की रहमत पर भरोसा करके ऐलान करता हूँ कियामत के दिन उसका जामन मैं मोहम्मद होगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अगर 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 आप अपना जामन सरकार को चाहते हैं किबला, तो सब मौलवियों पीछे जान छिड़क रहे हो, छिड़क रहे हो कि नहीं? हुसैन पीछे क्यों ना छिड़क रहे हो? मैं तो सीधी सीधी बात करता हूं, मेरे मुरीद भी सुन ले, अगर हमारी मोहब्बत भी आड़े आए तो लात मार दो इसको, मोहब्बत उनसे रखो जिनसे करने पर जामन हजूर बनते हैं। उस मजलस से उठ जाओ जहां अहले बैत की तोहीन हो, उससे भी उठ जाओ जहां सहाबा की तोहीन हो, उस महफिल को तर्क कर दो जहां अहले बैत की तनकीस हो, उस महफिल में बैठो जहां ये पट्टी पढ़ाई जा रही हो हुसैन मुस्तफा के हैं, मुस्तफा हुसैन है। ये हजूर के फरामीन है, इन पे कोई दो टोक दो दो राय नहीं हो सकती। तो जिस बंदे दे मथे में बल आ जाए मैं तो हरामी नु शक्ल तू पहचान लेना, अल्लाह की कसम है इफ्तार भाई, मेरा तजर्बा इतना है, ये नहीं कि मैंने कोई गैब की खबर हो जाती, हमें इतना पता चल जाता है बंदे की असल में खता है, क्योंकि हमने जैसे ही मौला का नाम लिया है, क्या बात है। चिश्ती हो तो सा जनाब तो ख्वाजा साहब के नाम पर दमाल डालोगे, नक्शबंदी हो तो मुजद्दद साहब के नाम पर दमाल डालोगे, कादरी हो तो गौस पाक के नाम पर दमाल डालोगे, नक्शबंदी हो मुजद्दद साहब को मानोगे, सुरवर्दी हो शेख शहाबुद्दीन सुरवर्द पे, वो अल्लाह दे वो बंदे हो, ये तो कतरे ने सारे चले होंगे, वो तुम्हारी दिमाग ही कम नहीं कर रहा। ओ खुदा के बंदो होश करो, होश करो, होश, ये कलियां है, कलियां कलियां कलियां, तो पूरे बूटे का नाम है अली इब्न अबी तालिब, हैदर हैदर हैदर, जोर लाहौर,
इसमें भी बड़ा रोला है। ज्यादा जिन्हें भी शौक होता है ना फेसबुक का, हमने तो अपने मरीजों को पिछले 11वीं शिफ्ट से पाबंद कर दिया, हमारी तस्वीरें हटाओ, आइडिया खत्म कर दो, इसलिए आपको नहीं मिलती होंगी। अब कुछ दो तीन दिनों से दो तीन तेज हुए पड़े हैं, या कोई मजमे में बना देते हैं, हमने कहा खत्म कर दो, क्योंकि हमें इसमें नूर नजर नहीं आया। बहरहाल मैं आपको बतलाने लगा हूं, इफ्तिखार रिज़वी साहब की फोटो लगाकर, तस्लीम साबरी की फोटो लगाकर, दो चार और की तस्वीर लगाकर, ये गरीब जिन्हों के दिल चले बैद ही मोहब्बत है, इन गरीबों के दिलों च की है ले बैदी हूँ की है नुकसे दसो मैन। सारी जिंदगी जनाब हक यार दे भी नारे मरवाद है इफ्तिखार रिज़वी, कहीं कहीं किसी जगह कोई साहबा को मौके तो उसके सामने भी खड़ा हो जाए, अहले बैत की शान में कोई तनकीस करे तो उसके सामने खड़ा हो जाए, लेकिन जब चूंकि अहले बैत का जिक्र चुभता है ना कुछ को तो पुड़दा है, क्यों इन्हां दियां मावां च खता होई है, 36 पियो सारे हरामी होवन, कल्ला बंदा आप हरामी ना होवे, 36 पुश्ता हराम दियां होवन तो तब जाकर सैयदा की गुस्ताखी का ख्याल आता है। तो अब वो क्या बात करेंगे, सुनना बात करेंगे, ये लौंडे चंद लौंडे हैं, जरा गौर न सुनियो, मैं थोड़ा जहन बना रहा हूं, तकरीरी खाली नहीं कर रहा, आया ही मैं जहन बनाना, अलल ऐलान कह रहा हूं, जहन बनाने आया हूं, अलल ऐलान कह रहा हूं, तुम्हारे दिमागों में अली अली लिखने आया हूं, बच सकते हो तो बचो, अलल ऐलान, आई एम एजेंट ऑफ अली उल मुर्तजा, अली हक 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 अली हक। मैं बेगैरत नहीं हूँ, मेरे कानों ने सिद्दीक अकबर का कौल सुना है, आप फरमाते हैं अली की मोहब्बत का नाम ईमान है। हाथ तेरा क्या को सुभान अल्लाह। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो यहां तक फरमाते हैं वल्लाहिल अज़ीम रब्बे काबा की कसम, आप फरमाते हैं ये नस्ल अपने बच्चियां नु फरमा दे, ये वो नस्ल है जिन्हों लिख के दे देना कि तेरी मगफरत हो गई, तो जमीन पर लिख के देते हैं तो अर्श वाला उसकी मगफरत आसमान पे कर देता है। गल्लां लंबियां हो जाएंगी, मौला अली को भी लिखवाया हजरत उमर ने, कोई समझ आई है कि कोई नहीं, कई जरा टेंशन बिच होंगे, मैं हवाला नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, जाओ जिस मौलवी को ये भी ना मालूम हो इस्तिंजा होता है या अस्तंजा, तो बाद में हमको फोन करेगा, चले बगदादी शेख से बात कराना, तो मेरे ना तो गल होनी मुखी है, अल्लाह की कसम है गल ही औखी होनी, अरे बात करा ना, एक बंदा मौलवी ने एक फोन कर मारा, यूसुफ शाह ने फोन सुना, एक बारी दो बारी त्रै बारी मैं कहता है वो फलाना एक मौलवी है फोन बड़े करता है, एक जड़ा कुदरती मैं हूं करे तो मेरे ना गल करें, और जब हमने बात शुरू की ना, बह जाओ मुड़े बह जाओ, जब बात शुरू की मैंने कहा हाँ भाई, और तू कहना है कि अली काबे विच जमे है, मैं कहता तो तेरा प्यो जमे और तू कहना है ये गल, ओ मेरा मुल्ला आज तक तो तेनू 8 साल मदरसे पढ़ने दे बाद गल करने दी तमीज ना आई, तो तू गल जा मौला अली दी कर दे, मैं कहा तू करे मेरे सामने आ, तेरे को मैं पूछा तो सही गल कोई, चले हो अहले बैत की मोहब्बत को भी तुमने झगड़े में डाल दिया, क्यों किस लिए, हम सुन्नी हैं, हमारी आंखों के तारे हैं सिद्दीक को उमर, हमारे खून के कतरे कतरे उनकी जात पर कुर्बान हो जाए, मगर उन्हीं की पट्टी पढ़ते हुए हम हसनैन के कदमों में अपना सर रख रहे हैं, हमें पटड़ी से ना उतारो, ओ जी वो फलाना फलाना, मैंने इसलिए कहा हवाला मैं नहीं देना, हवाले हम दें, काहे को दे दिया हम, हजरत साहब
आपके पास तकरीर करने को कोई पैसे नहीं मुके मुके ना भैया दस दियो जे मुकाए थे बिल्कुल नहीं मुकाए और ना ही रुकेंगे एक मिनट में भाई हजरत थोड़ा जो लिफाफा पकड़ा देना लख लख रुपए का हजूर ये तुम 35-40-50-60 हज़ार दी तकरीर करके मैनू पूछ दियो भैया वाला कितने तुम क्या करते रहे हो हम नहीं देंगे हम सिर्फ इतना कहेंगे हजरत उमर फारूक पूरी जमात साहबा लेकर गए मौला अली के घर में मौला अली के घर में कहो सुभान अल्लाह फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो यहाँ जो साहबा को भोंकता है वो भी गौर करे नजर तुझे पै जाए दाता साहब की तो उन्होंने नजर दे बड़े कायल हो तो जे अली के सामने जाना जापोगे और वो भी अली पाक को मौला गए उन्हें क्या मौला हमने सुना है कि आपने एक हमारे बारे में हमारी शान बयान की है उन्हें क्या हाँ हाँ मैंने शान बयान की है उन्होंने कहा आप हमने सुना है कि आपने हमारे बारे में एक कलिमा शरीफ कहा है और वो ये कि उमर जो है ये जन्नतियों का सिराज है जन्नतियों का क्या है तो आपने फरमाया हाँ हाँ मैं किसी को डरता हूँ वो अगे अली है फरमाया हम किसी से डरते हैं कोई तो मैंने कहा है कि आप जन्नत के सिराज हो जन्नत के सूरज हो उन्हें आख्या तुसा ये किस तरह कह दिता उन्हें आख्या मैं तेनों दसदा वा मेरे कन विच ये गल सरकार दसी उन्हें आख्या सरकार को मैं पूछा भाई तुसा या रसूल अल्लाह ये गल जिहड़ी कीती है तुहानू वही आई है हजूर ने फरमाया जबरील आया था तो जबरील को अल्लाह ने बताया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने गल केड़ी की थी जरा गौर नाल सुनना कहन लगे आप ये बात लिख कर दे सकते हो ये गल लिख के मैनू दे दोगे आपने फरमाया कलम चुक के ना लिखिया हाजा मा जुमिन अली युबनु अबी तालिब ले उमा रब निल खताब फरमाया ए गल जमानत के तौर पर अली लिख के दे रहा है भाई उमर सिराजुल जन्ना है और ये अली आप नहीं लिख के दे रहा अली ने सुनिया साई को साई ने सुनिया जिबरील को जिबरील ने सुनिया खुदा चन मकड़ो मैं फिर लौटता हूं तो अहले बैत की मोहब्बत में कमी करना नक्श करना निशानी क्या है निशानी क्या है अहले बैत के नक्श की निशानी बताऊं आपको वो मैं जुमला कह रहा था इनकी तस्वीरें लगाकर आगे क्या करना जी ये जी चंद बंदे हैं जी चंद लौंडे हैं इन्होंने माहौल खराब किया हुआ है ये नारी मरवाती है लबैक या हुसैन ये नारी मरवाती हैदर 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 इन्होंने अहले सुन्नत को हाईजैक किया हुआ है हजरात जो उलमाए किराम तशरीफ फरमाए वो भी सुने मेरी बात खरी खरी ये लौंडे आपको नजर आते हैं सबको तो आपको रसूलुल्लाह नजर नहीं आते ये लौंडे आपको नजर आते हैं हैदर हैदर करते तो आपको खुतबाए गदीरे खुम नजर नहीं आता ये नजर आते हैं आपको तो वो सीन नजर नहीं आता जिसमें हजूर फरमाते हैं आईना अली इब्न अबी तालिब मन कुन तो मौला ओ फासा अली मौला हैदर 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 बेतुकी बेतुकियां गल्ला ना करो तो इस कौम नु अहले बैत अले पासे आवण दियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुनने वालों में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है अल्लाह के फजलो करम से जो हमसे मोहब्बत करे और सहाबा का गुलाम ना हो अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम मैं पता लग जाए बंदा सहाबा का गुस्ताख है मैं हाथ ना बुलावा अल्लाह सानू कल क़यामत के दिन खंजीरों में से उठाए अगर हमारे दिल में सहाबा की रत्ती बराबर कोई शक भी पाया जाए मगर हम क्या करें कि सहाबा की तरफ हम जब रुख करते हैं तो वो खुद फरमाते हैं सहाबा कि हम मुस्तफा के भी गुलाम हैं अहले बैत के भी गुलाम हैं बेशक बेशक बेशक
अब मुझे बतलाएं आप किधर जाएं हम। मैं आपको सुनाने लगा हूं। ऐ पगड़ी को मौली साहब के बिना पगड़ी वाले बैठे ने एक पगड़ी उन्हें बदी हुई ऐसे एक पगड़ी हजरत ने बदी हुई एक पगड़ी है मेरा खलीफा बैठा है ने बदी हुई इन सारिया दी पगड़ियां दा एहतराम है। एक मेरी जान आप पर कुर्बान दावत इस्लामी वाले मेरे कलेजे के टुकड़े ने बांधी हुई है इन सब पगड़ियों पर जान कुर्बान। तो पगड़ी वो भी है जिहड़ी अबू हुरैरा ने सिर ते बदी हुई हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अनु हज करके बैठे तो हजरत अबू हुरैरा ने पगड़ी ला दी पगड़ी ला दी। हजरत खादिम हुसैन रिजवी साहब की ये तक नसीब है कि इन्होंने पगड़ी उतार कर रखी मुमताज के पैर पर और अबू हुरैरा की तकदीर का क्या कहना जिसने पगड़ी उतार के रखी हसन इब्ने अली के। और जोर दा बोलो अब आप मुझे बताएं मुझे। चलो इन्होंने तो शहादत के बाद रखी ना हजरत इमाम हसन पाक बैठे हुए पगड़ी उतर गई पैर से रख दी थी। और यहां मैं अक्सर ये जुमला बोलता होता हूँ कि अल्लाह मुझे गलती से बचाए तो मैं ये ना कहीं कह दूं गलती से कि वो पैर साफ करने लगे थे ये गुस्ताखी है। मैं अगर ये कहूँ मैं ये अगर कहूँगी वो पैर उन्हें जो भी किया मैं नहीं कहता मेरा जहन यह है उन्हें पगड़ी शरीफ ला के वो मट्टी के जर्रे पगड़ी बिच लाए ताकि हसने पाक के कदमों के जर्रे पगड़ी के सितारे बन जाए। समझ आई है कि नहीं। अच्छा लाओ जी वो पगड़ी शरीफ उन्होंने पाँव मुबारक दे रखी तो आपने फरमाया रहन दियो तुसा मेरे नबी दे सहाबी हो जो के है ना भाई तुसा मेरे नबी दे सहाबी हो। उन्हें आख्या हजूर सहाबी हाँ ताई ते कदमा ते हाथ रखी बैठे हाँ। अब जी जेड़ा बंदा कोई अरबी शरबी जानता हो थोड़ी बहुत ही अल्लाह करे पहले तो अरबी माही नू जानो लेकिन जे अरबी लुगत का वाकफ है तो सुनना हजरत अबू हुरैरा ने क्या फरमाया। फरमाते हैं या यबना मुहम्मद यबन रसूलिल्लाह ऐ अल्लाह के हबीब के लगते जिगर नूरे नजर है हुजूर के बेटे लाओ यालमुन नास मिनका मा आलमु लहमलुका आला रिकाबेहिम। फरमाया जित तुसा ए पे तकदे हो असा पगड़ी रख के पैरां तले रख दिती है अल्लाह दी कसम है जो कुछ मैं जानदा वा आप दी शान जे उम्मत नू पता लग जाए ते सैयदा ए उम्मत तेनू जमीन ते टुरण ही ना देवे मोड़ियां जाके फिरे हूं आखो अख दी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन अख दी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन अख दी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन या हुसैन। हमारा ऐसे ग्रोह से कोई तलक नहीं जो सहाबा को भोंके ना ऐसे ग्रोह से तलक है जो अहले बैत को भोंके ना उस कुत्ते के बच्चे से कुछ तलक है जो यजीद को हजरत या रजी अल्लाह ताला अनु कहे यजीद पर क्या अल्लाह की ओए हाथ उठा करके बोलना है सहाबा दे दुश्मन थे अल्लाह दी अबू बकर के दुश्मन पर अल्लाह की लानत उमर के दुश्मन पर अल्लाह की लानत उस्मान के दुश्मन पर अल्लाह की लानत मौला अली के दुश्मन पर अल्लाह की लानत सारे सहाबा के दुश्मनों पर अल्लाह की हसने पाक के दुश्मन पर अल्लाह की हुसैन पाक के दुश्मन पर अल्लाह की कियामत तक के आने वाले अहले बैत के बच्चे बच्चे के दुश्मन पर अल्लाह की फरिश्तों की ओए अर्शे बरी की ओए कुर्सी आजम की और तकदीर लिखने वाले कलम की ओए काबातुल्ला की गिलाफे काबा की सारे मक्के की कुल जहान की जो हमें अहले बैत से फेरे उस पर भी लानत। अहले बैत से इश्क रखो मोहब्बत रखो तुम नहीं समझ सकते कि हजूर ने इस पर कितना जोर दिया है। ये मत कहो कि चंद ये लोंडे हैं जनाब ये इन्होंने 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 जनाब ये ट्रेंड लाए हैं ये कायम इनकी दो चार पांच है कौन से दो चार पांच
ये मदीनत मुनव्वरा में इधर बिठा कर इधर बिठा कर ये मौजूद थे, ये तस्नीम साबरी मौजूद थी, इफ्तिखार रिज़वी मौजूद था, या कोई और जो अहले बैत का जिक्र करता है जिसको तुम लौंडा लौंडा कहते हो वो मौजूद थे। सवा लाख से आबादी सामने मुस्तफा ने फरमाया आना तारीख उन भी कम सकल दो चीजें तुमको देकर जा रहा हूं, एक कुरान है दूसरा है। ये तो जो आपको ये हदीसें नजर नहीं आती, हुसैन उम्मीनी वाना मेरे तो मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दद दीन मिल्लत अच्छा अहमद रजा फाजले बरेलवी जदी नस नस विचाली पाक दी और शहबादी मोहब्बत बैठी हुई है आपके फरमाते आप तवज्जो तवज्जो पुत्रा तवज्जो आप फरमाते हैं हजूर पाक को हुसैन का नाम इतना अच्छा लगता है, हजूर पाक को हुसैन का नाम ऊंचा बोलो, फरमाया हजूर पाक को हुसैन का नाम इतना अच्छा लगता है कि मुड़ मुड़ के कहते हैं हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, मुड़ मुड़ कर कहते हैं हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे तो गोया अगर तुम हजरत हुसैन के नाम को रत्ती बराबर भी जिंदगी से ना सुनो तो काफर हो जाओगे, क्योंकि हुसैन ही वो दरवाजा है जिससे गुजर कर मुस्तफा मिलते हैं। गल समझ आई है कि नहीं आई है? हमारा तो खैर मेरा तो मैं तो फकीर जा मलंग जा बंदा, मेरा तो अपना नजरिया ही जुदा जाए, मैं तो दिल में तो नियाज अहमद बरेलवी मस्त का कलाम हर वेले पढ़ता रहता हूँ, गड्डी च मैं दो बारी सुने तो फिर तकरीर से आया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, ऐ दिल ऐ दिल ए अपने आप नू आखो तुसा ऐ दिल सीधा हो के करदा पिया वध अगे बस सुल्ताने औलिया दा दामन फड़ लै, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने मुस्तफा। और मेरे आला हजरत बरेलवी क्या फरमाते हैं जरा वो भी सुनो, आप फरमाते हैं ऐ रुखत ऐ हुसैन आपका वो चेहरा वो है चेहरा ये शक्ले अतरो अकदसो अनवरो आलाओ अरफा ये वो चेहरा है कि जिसने आपके चेहरे को देख लिया उसने उसने खुदा को देख लिया है। जिसने आपके चेहरे को देख लिया उसने जमाले इलाही को देख लिया। ओ मैंने नहीं पता इस जगह दना की है सबूरी आले आले ओ ऐ आला एक शेर तो सब बड़ा सुनया होना है, मैं तो खाली तवज्जो दिलाण लगा तवज्जो फिर एक बारी तवज्जो फिर एक बारी तवज्जो। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसनैन करीमैन का जिक्र करते हुए फरमाते हैं पारा ए सुखफ हजूर ये शेर मेरा तो नहीं ये हजूर सैयदी वाकई व मौलाई आला हजरत का पारा एक गल मैनू आला हजरत और पता लग गई हजूर तुसा इन्हां नू कुरान दे पारे क्योंकि हजूर बरेली आले हो मैनू दसो ना तुसा इन्हां नू कुरान दा पारा क्यों कह दिता। आवाज आती है बरेली से चलिया चुप कर ना पलीत ओनू हथ ला सकदा है ना इन्हां दे नेड़े आ सकदा है पारा आए सुखफ सुखफ गुंचाई कुदस
आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं तकदीस के गुंचे हैं ये। तकदीस किसे कहते हैं? दिलबर जानी। जिन्हें दो लफ्ज पढ़े हुए उन्होंने पता है कद्दा सा युकद्दे सो तकदीस हन किसे कहते हैं? फरमाया गुंचा आए कुदस। फरमाया वो गुलाब के फूल दुनिया के होते हैं जिन पर गर्द जम भी जाती है, ये तो बागे मुस्तवा के फूल है, इनके करीब गलती आती नहीं है। बाबे होरी भी बड़ा शेर पढ़ते ने एक लाए जरा है आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे। आबे तत्हीर क्या है? तत्हीर पाक करने वाला पानी। उच्चा बोलो के करने वाला पानी। दिल भर जानी जे पाक करने वाले पानी नाल इन्हां दा वजूद है ते इन्हां दे नेड़े कोई गंद नहीं आ सकदा। ए आप पाक करने वाले ने जे कोई पलीती आ भी जाए ते पलीती रहिंदी नहीं। समझ बात में आ गई है? हुण दसो अहले बैत नाल मुहब्बत करोगे के नहीं? इश्क रखोगे के नहीं? हुसैन करीमैन हसनैन करीमैन से वफा करोगे कि नहीं? अब हाथ नीचे करें और पैगाम एक सुन लें। जाइएगा नहीं आप कि तकरीर खत्म होगी ना चली नहीं। एक गल दसो मैं सारे दे सारे वो गल जी इफ्तिखार भाई फरमा रहे थे भाई हुसैनी हो ये भी गल्लां तुहाडियां सुनियां सन बहुत खुश होया मैं बहुत खुश होया जड़ियाँ तुसां फरमाया भाई सजदा नहीं ते हुसैनी ये गल मेरी बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी। अल्लाह आप अजर दे। अच्छा जी दसो जी हजरत इमाम हुसैन पाक ने क्या बचाया? उच्चा बोल दीन क्या है? इस्लाम क्या है? तुसा दो ही गल कर दी। कुछ बंदे पूछा दरेक क्या है? उन्हें कहा दरेक इंज ना करो ना कहका मार के ना हसो कहका मार के सान वास्ते में नहीं आया मैं सिर्फ गल दी पर तवज्जो दिलाने वाला दीन क्या है? इस्लाम। इस्लाम क्या है? हाँ जी बिल्कुल इताअत रसूल है पर इताअत क्या है? और नहीं जी नहीं गल तो समझने दी है ना जी मेरे कलेजे चलो मैं तुहानू लंबे वलाकियां विच ना पाउंदा। साई जी उठण ना ये दीन है। साई जी बमण ना ये दीन है। साईं जी सेवन जन तो ये दीन है। साईं जी रोटी खावन तो ये दीन है। साईं जी पानी पीवन तो ये आप इस्तिंजा फरमान वास्ते जावन तो ये दीन है। मुड़ के तशरीफ ले आवन तो ये तरीका दीन है। आप अंदर अपने अहले बैत विच जावन अजवाज नाल मिलन ये दीन है। बाहर आण साहबां नाल गल्लां करन ये दीन है। दीन बचाया क्योंकि ये फिक्र है। क्या है? एक गल होर नाल सुनी। दीन क्या है? फिक्र है। एक फिक्र है सोच। तुसा मैं दसो ना सारे दे सारे दसना भाई ये हजरत इमाम हुसैन वो यजीद दे वजूद नाल नफरत करदे सन ओदियां अखां नाल ओदे नक नाल ओदियां कन्नां नाल ओदे कद नाल ओदी नाल नफरत सी। या तुसा दूसरी मिसाल देना वो भाई जी साबा पाक की शान इन्हों कन्ना की वजह तो नहीं अखा की वजह तो नहीं कदा की वजह तो नहीं तो हजरत इमाम हुसैन पाक ने जी मुखालफत की थी, जान दिती वजूद की वजह से दिमाग में एक सोच सी। उच्चा बोलो जो हाफिज भी सी खारी भी सी उहदे दिमाग विच एक सोच सी। सोच वो सोच उस सोच के मुखालिफ थी जो सोच सरकार ने दी थी। नबी पाक ने जो सोच दी थी उस सोच की मुखालिफ सोच थी किसकी? यजीद की। इमाम पाक ने फरमाया हम बच्चे कुर्बान करेंगे जान कुर्बान करेंगे वो सोच नहीं मिटने देंगे।
वो सोच क्या है? हमसाए पर जुल्म करूं या उसका ख्याल रखूं? झूठ बोलो या सच बोलो? तकबर करो या आजजी करो? कितने सियाने मेरे कलेजे दे टुकड़े हो तुसा बैठे भाई। वो सोच जो हजूर की है वो आजजी वाली है तकबर वाली? सच वाली है झूठ वाली? यानी हजूर की ये सोच है सच बोलना है, हजूर की ये सोच है फ्रॉड नहीं करना, हजूर की ये सोच है अपनी उम्मत को जो दर्श दिया गया है झूठ नहीं बोलना, हजूर की ये सोच है कि आजजी करनी है तकबर। अच्छा ये सोच उधर नहीं थी, ये सोच हुसैन ने, ये सोच तकबर नहीं, झूठ नहीं सच, टेढ़ापन नहीं सिद्ध। इस सोच नु कटिया और जान दे दी। हालांकि तुहानू मैं इसलाह दा तरीका अपना के गल्लां पे करना, रूहानी नुक्ते नुकात बहुत ने इहदे विच, होर उह मैं उस तरफ जांदा ना। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਰ ਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਈ ਆਸ਼ਿਕ ਸੋਈ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜਿਤਨਾ ਸਮਝਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਤਨਾ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਆ ਬਚਾਇਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੇ? ਯੇ ਸੋਚ ਬਚਾਈ, ਯੇ ਫਿਕਰ ਬਚਾਈ, ਯੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਸੁਨਤ ਬਚਾਈ? ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ? कामयाब हुए नहीं हुए? सही दस बचा गए? आपके पास वो कितनी है? मेरे भाइयों के पास आप में से कितने साथी हैं जिनके पास ये सोच है, ये फिक्र है, ये दीन है? आप सारे साथी आजिज हो बारिक। फिर आपने हुसैन का बचाया हुआ दीन सीने से लगा लिया। अगर आप फ्रॉड नहीं करते, फ्रेब नहीं करते, धोखा नहीं करते मुबारक को, फिर वो जो दीन बचाया है ना वो आपने ले लिया। अगर आप जालिम हो, अगर आप हासिद हो, मसलन नदे में बैठा हुआ दाढ़ी मेरी अड़ी लंबी है, ध्यान करना त्योहार में दाढ़ी एडी लम्मी है मेरी, जरा थोड़ी जी ज्यादा ही लम्मी है, फोल्ड हुई हुई कुछ कुंगरियाले बाल है। तो मैं हजरत साहब की बुला थोड़ी जी देर जहमत करना बैठने में, हजरत साहब की बुला ने उठ के कोई नाथ शरीफ पढ़ी या कोई शेर पढ़िया, तो पहले मैंनू चंगे लगते रहे, जो ही किसी ने पैसे देते न मेरे पेट च वट पाएगा कि जोड़ा इस मंडल भाई ने पढ़िया हुआ सी वो तो इन्हें दे देना, मैनू की मिलना? ये उसे नीयत नहीं, तुम्हारी नीयत में फतूर है अभी तक। अब तुम यजीदी हो, हुसैनी नहीं। अगर फरेब है तो तुम यजीदी हो, हुसैनी नहीं। अगर तकबर है तो तुम यजीदी हो, हुसैनी नहीं। अगर गुरूर है तो तुम यजीदी हो, हुसैनी नहीं। अगर आजजी है तो हुसैनी। अगर हसद नहीं तो क्या है? ऊंचा बोलो। अगर अपनी माँ बाप के एहतराम में हो तो हुसैनी। अगर अपने पड़ोसियों को बेजा तंग नहीं करते तो तुम हुसैनी हो। अगर गिरते हुए को रस्ते में जाकर तुम जा रहे हो, रस्ते में कोई गिरा देखते हो उसे उठा लेते हो, तुम क्या हो? अगर ना मेरे भाइयों, सिर्फ जुबान पर हुसैन है, दिल में यजीद। आप मुझसे बस इस मजमे में वादा करें, वैसे आपने बड़ा टिका के जिक्र सुना सुना है, एक वादा करें, क्या अपने दिल को भी हुसैनी करोगे? आज जी
नेक नियती, खुलूस, लिल्लाहियत, माँ बाप का अदब, आइंदा साल अगर यहाँ मेरा ना हो तो कोशिश करना हम सारे सवा सवा लाख बारी कलमा पढ़ के थे आऊं बावजू आवा तो महफल के एंड विच वो सारा इमाम हुसैन पाक नु सलाम पेश कर क्योंकि हम ये पैसे तो मैनू तो इन्हों ही मिलने ना हुसैन पाक तक तो कुछ चीज तो ही पहुंचेगी वो तो उन जी खुश हो जा सन जदों हजूर की उम्मत की सलाह हो गई तो बाकी जड़िया गल् मैं कीतियां अहले बैत की मुहब्बत दियां तो वो फर्क नहीं आन देना सच्ची मुहब्बत यही है भाई हसन पाक हुसैन पाक के तरीके मनना कोई किसी किस्म का आखिरी बात कोई किसी शान का बंदा हो ये आखिरी नसीहत इसलाह भी होगी हूँ नसीहत मैं क्या नसीहत जुगा थोड़िया जुतियां की खाक लेकिन फिर भी अर्ज कर लगा आखिरी नसीहत कितना बड़ा पीर क्यों ना हो ए भाई कितना बड़ा पीर क्यों ना हो कितना बड़ा मौलवी क्यों ना हो कितना बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो कितना बड़ा एमपीए एमएनए क्यों ना हो कोई वजीर मशीर क्यों ना हो जो तुम्हें रसूलुल्लाह की औलाद से फेरे उसके पीछे ना चलना अगर उसके पीछे चलोगे तो तुम्हारी मुलाकात यजीद से होगी और अगर तुम उनके पीछे चले हो कि जिनके अंदर इज्ज़ हो और सियाबा हो अहले बैत का इश्क हो तो कयामत के दिन तुम्हारी मुलाकात मोहम्मद रसूलुल्लाह से बस ये देखो पढ़ देने शेर उनका निस्बत वेखो उनका मैं गुनागार वो मेरे शाफी इतनी निस्बत क्या कम है तू समझा क्या इतनी निस्बत क्या कम है तू समझा क्या है और आगे आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं फरिश्ते जो मेनू फड़ लैणगे दिन कयामत दा होएगा तो फरिश्ते मेनू इंज घसीट के किसी और ही पासे ले जान लगणगे नजरे मुस्तफा का मैं शिकार हूंगा अजूर मुझ पर निगाह डालेंगे दौड़ते हुए तशरीफ लाएंगे और फरिश्तों को कहेंगे छोड़ो बंदा आजादी शुदा दी शुदा दी शुदा दी शुदा
हट जाओ पीछे, डोंट टच हिम, इज माय पर्सनल सर्वेंट। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, दर का है ये हमारे दर 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 दर। ए बंदा आजाद शुदा, ये फारसी में पता है शुदा किसे कहते हैं? पता है किसे कहते हैं शुदा? तुसा होने नु पढ़िया इनू सब दुनिया में आजाद कर देता है। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेती हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है? हजरात बेटा जूता तो उतारो ना, मेंबर पर चढ़ गए। बेटा तंग नहीं करते, अदब इसी में गुजरन दियो बाबा जी, बाबा जी नू गुजरन दियो बेटा, तुहानू अल्लाह रसूल दा वास्ता अदब। दोस्तों